नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है दिल से अमीर और इसके रचयिता हैं राम गोपाल आचार्य। सरला, कल सवेरे तुम काम पर जल्दी आ जाना क्योंकि कल मुन्ने का जन्मदिन है। मैंने ऑफिस की कुछ सहेलियों को बुलाया है। जन्मदिन का केक और मिठाइयाँ तो हम लोग बाजार से ले आएंगे। चाय पकौड़े आदि तुम उसी समय घर पर ही बना देना, नेहा ने अपनी काम वाली से कहा। यह सुनकर सरला खुश होती हुई बोली, मालकिन कल मुन्ना बाबू 2 साल के हो जाएंगे ना? हाँ सरला, मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ, मुन्ना मेरे से ज्यादा समय तो तुम्हारे पास रहता है। तुम उसका कितना ख्याल रखती हो, तुम भी तो इसकी माँ के समान हो। सरला बोली, मालकिन यह तो आपका बड़प्पन है, मैं भी मुन्ना बाबू के जन्मदिन पर कुछ उपहार लाऊंगी, आप मना मत करना। नेहा ने कहा, ठीक है सरला, जैसी तुम्हारी मर्जी। रात को डिनर के समय नेहा अपने पति से कह रही थी, सरला मुन्ने के लिए जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट लाने का कह रही थी, छोटा मोटा कुछ खिलौना लाएगी, वैसे इनकी औकात क्या ही होती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। मैं सोच रही हूँ बक्से में से कोई पुरानी टाइप की साड़ी रिटर्न गिफ्ट में उसे दे दूँ, वैसे ही वह साड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं है और कुछ जगह भी खाली हो जाएगी। अगले दिन सरला जब आई तो अपने साथ मुन्ना के लिए एक 3 पहियों वाली महंगी साइकिल खरीद कर लाई जो कि उसी की हैसियत से बहुत ज़्यादा कीमती थी, शायद 2-3 महीने की पगार जितनी। यह देखकर नेहा को मन ही मन अपनी सोच पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए सरला को पुरानी साड़ी देने का अपना विचार बदल लिया और सोचने लगी, यह गरीब लोग दिल के कितने अमीर होते हैं और हम पैसे वाले होकर भी दिल के कितने गरीब हैं।